ठंडा खाता होगा। यहीं पार्क में नहीं लिखा है और जो धाराएं दौड़ी है बिल्कुल हल्की धाराएं दौड़ी है, अगर आरोपी अगर पकड़े भी जाते हैं तो उनको तुरंत जमानत मिल सकती है। दूसरा पहलू ये है कि जिसका ऐसा ही कोई जाँच की गई है नहीं कर सकती कि ये जाँच सही होगी, तो हमारी दो मांगे हैं, एक तो आरोपी को शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए और दूसरा इस जाँच को बदल कर दूसरे अधिकारी को दिया जाए। तीसरी बात यह है कि अगर जिले में एक बड़े पत्रकार के साथ में इस प्रकार की घटना होती है तो आम नागरिक किस प्रकार से कानून की उम्मीद करें, तो ये सब बहुत बड़ा चिंता का विषय है और आप सब इसके लिए जुटे हैं, सभी के लिए धन्यवाद। और हम चलेंगे अब एसपी साहब के पास में ज्ञापन देंगे और मांग रखेंगे, अगर मांग नहीं मानी जाती तो उग्र आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन जिस प्रकार का आंदोलन की रणनीति चलाई जाती है वो सारा कुछ किया जाएगा। एक फुटेज में आए छोरे, तीन छोरे आए दिखिए, हाँ लेकिन वो आठ दिन हुए, आठ दिन में मतलब पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं है। अपने नियम पत्रकार की सुरक्षित नहीं है, फिर आम आदमी को क्या विश्वास रखेगा था पुलिस के प्रशासन पर। आठ दिन हो गए और सबको पता है, पुलिस को भी पता है, प्रशासन को पता है, हर आम आदमी को ये पता है कि इसने लव जिहाद के खिलाफ लिखा था और कौन आदमी करा रहा है, कौन नेता इनके साथ है। आपको पता होगा साहब इसने किसके खिलाफ, आप बताओ ना यार। आप वो उसका बादल सिंह का नाम आ रहा है सर, बादल सिंह का नाम है। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने पहले भी धमकियां दी है अभी दिए और इस तरीके से यदि पत्रकार के साथ में हो रहा है तो साहब फिर ठीक है जांच करा। सर उस गली में जैसे आ सकते हैं, जिम में भी संभावना बनती है तो वहाँ जिम में भी नीचे जिम वाली कौन सी जैसे वो वहाँ पे पीछे वाले एक्सिस बैंक के पीछे वहाँ पे भी सीसीटीवी है, सीसीटीवी है डिस्ट्रिक्ट के आगे भी सीसीटीवी है, किसी भी गली में निकले तो सीसीटीवी तो हर जगह है। ये बड़ा गेम है साहब और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल है साहब। सर पिछले जो द्रुप सिंह जी फेसबुक वॉल खोलेंगे आप देखेंगे किन किन लोगों ने धमकियां दी और किस तरीके से धमकियां दी है। स्वतंत्र आवाज उठाने वाले पत्रकार के साथ हो सकता है, तो यदि इस पे अभी कंट्रोल नहीं हुआ तो आम आदमी के साथ या कोई आदमी ऊंची आवाज में बोल नहीं पाएगा, कोई ना कुछ भी हो सकता है। मैं बोलता हूं फाइन, भरोसा नहीं है उसको चेंज करें। जी जी ठीक है बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाड़मेर के वरिष्ठ पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित पे जो 5 मई को हमला हुआ था देसी कट्टे से और उनके साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई और उनको धमकियां दी गई, उसको लेकर के आज हमने बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले और उनसे हमने ये बात रखी कि जो जांच अधिकारी है उसको चेंज किया जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं आज ही उस जांच अधिकारी को चेंज करके किसी ईमानदार अधिकारी को जांच दे दूंगा। दूसरा हमने ये कहा कि भाई सीसीटीवी फुटेज आप अपने स्तर पर पता करिए, इससे पहले जो दुर्ग सिंह एकदम मतलब खुले तौर पर जो बाड़मेर में किसी के साथ अन्याय होता है उनके खिलाफ लिखता रहता है तो उसको लेकर के इसको कई बार धमकियाँ भी मिल चुकी है, तो आप उस एंगल को लेकर के जांच करें और पता करें कि किसने उसके ऊपर इस तरीके के हमले का कार्यक्रम जो प्रोग्राम बनाया है, तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तो एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं 2-4 दिन में पूरी जांच करवा के और हम इसके तह तक जाएंगे।